कवर्धा से एक बड़ी खबर है, जहां ग्रामीण की हत्या कर घर को जला दिया गया। एसपी समेत बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची है, पुलिस को भी गांव में घुसने ग्रामीण नहीं दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में अतिरिक्त फोर्स रवाना किया गया। एसपी से ग्रामीणों ने झूमा झटकी की है। रेंगाखाड़ थाना के लोहारी डी गांव का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कवर्धा से, जहां ग्रामीण की हत्या कर दी गई, घर को जला दिया गया। एसपी समेत बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स पहुंची हुई है, पुलिस को भी गांव में घुसने ग्रामीण यहां नहीं दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में अतिरिक्त फोर्स रवाना किया गया है। एसपी से ग्रामीणों ने झूमा झटकी की है। रेंगाखार थाना के लोहारी डी गांव का यह पूरा मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश फोन लाइन पर जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों यहां पर हत्या की गई, विवाद क्यों यहां पर इतना बढ़ गया और अभी क्या स्थिति है मौके पे? देखिए, जमीन को लेकर के पूरा विवाद बताया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की घटना इस गांव में सामने आई है। बीते वर्ष भी कुछ इसी तरीके की घटना सामने आया था, जब गांव में दो गुट में जमकर लाठी डंडा चला था और मकानों में भी आग लगाया था, जिसके बाद गांव में कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स की तैनाती किया गया था, जिसके बाद मामला पूरी तरीके से शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से पुनः वही मामला सामने निकल कर आ रही है और जब एसपी मौके पर पहुंचा तो एसपी के साथ भी ग्रामीणों ने जमकर झूमा झटकी किया है और ग्रामीण के पुलिस एसपी के साथ साथ जो एसपी की जो टीम था उनके साथ 80 पुलिसकर्मी गांव में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर उनके मना कर दिया और झूमा झटकी करने के पश्चात उसको वापस खदेड़ दिया। और पूरा मामला बताया जा रहा है कि जो गांव का ही कचुरू साहू है उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया है, गांव के ही थोड़ी दूर बाहर में पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया है, जिसके चलते यह विवाद इतना बढ़ गया। और जो उप सरपंच है रघुनाथ साहू उनके उनको जो है मकान में बंधक बना करके उनके मकान में आग लगा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से जिले से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया गया है और जितने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती किया गया है उसे यही तौर पर यही साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। जी, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, आप नजर बना के रखिएगा। सूर्य प्रकाश, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।